हेलो एवरीवन वन बॉबसुट के ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं सीक्वेंसर के बारे में समझेंगे डिकोडर के बारे में जानेंगे और देखेंगे किस तरीके से कंपेयर का इस्तेमाल करके आप दो वैल्यूज को या दो रिक्वेस्ट को कंपेयर कर सकते हैं तो आज के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वीडियो के इनत तो जरूर देखना होगा तो प्लीज़ वीडियो के इंतजर तो जरूर देखें अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स एन आई चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना इसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे और लिंक पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे हाँ फॉलो कर सकते हैं जहां पे मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ और मैं लिंकिन पे मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पी भी शेयर करता रहता हूँ इसके अलावा दोस्तों अगर आपको सी टी एफ चैंजेस करने का बहुत शौक है अगर आपको जानना है किस तरह से सी टी एफ को सॉल्व करते हैं जिसको हम कैप्चर द फ्लैग बोलते हैं अगर आपको जानना है सीखना है और हिंदी में अगर आपको सीखना है तो नीरज का चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ वहाँ पे जाकर उसको फॉलो कर सकते हो जहाँ पर नीरज जो है बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज आते है रिगार्डिंग सी टी एफ तो आई होप आपको उनका चैनल जरूर पसंद आएगा सिक्वेंसर समझाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऑलरेडी प्रॉक्सी इंट्रूडर एंड रिपीटर के बारे में जितने भी डिटेल वीडियोस हैं वो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं सो so, सिक्वेंसर को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि सेशंस क्या होते हैं कुकीज़ क्या होते हैं देखिए मैंने अपनी एस की वीडियो में बताया था कि एस टी जो है एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोई भी रिक्वेस्ट जब यूजर से सर्वर के पास जाती है इन एस फॉर्म तो सर्वर को नहीं पता रहता कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है और ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जानी है तो यानी कि हर बार जैसी एक रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है तो वहां पर एक सेशन खत्म होता है तो वहाँ पर सर्वर क्या करता है अपने सेशन को मेटेन करने के लिए आपके सिस्टम पर कुकीज इंस्टॉल करवा देता है उन कुकीज़ में होता है आपकी इन्फॉर्मेशन आपके यूजर प्रेफरेंसेस या फिर हम कहें कि वहां पे अगर आप किसी भी वेबसाइट पर लॉग इन करते हो तो उस कुकी के अंदर होती है आपकी एक सेशन आईडी सेशन आईडी का इस्तेमाल करते हैं सर्वर आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि आप जो यूजर लॉग इन कर रहे हैं वो सही यूजर है जो इस सिस्टम पर लॉग इन कर रहा है या फिर वो कोई दूसरा मेलिशियस यूजर हो सकता है तो यहां पे एक बात आती है सेशंस की कुकीज की जहां पे आपकी एक सेशन आईडी होती है और और भी कई तरह की चीजें कुकीज के अंदर इंक्लूड रहती है फिलहाल हम समझेंगे कि एक हमारे पास टोकन होते हैं या फिर एक सेशन आईडी होती है एंड जनरली जो सेशंस होते हैं वो सर्वर पे मेंटेन करे जाते हैं और जो कुकीज़ होती है वो आपके क्लाइंट ब्राउजर पे रहती है सिक्वेंसर का हम इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी हम किसी वेब एप्लीकेशन पे सेशन फिक्सेशन के अटैक्स करते हैं फिर सेशन मैनेजमेंट के अटैक्स को हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे ये चेक करने के लिए जो हमारा टारगेट एप्लीकेशन है वो किस तरह की सेशन आई को जनरेट कर रहा है सेशन आई डीज स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कोई भी एक सर्वर है वो अगर वीक सेशन आई डी जनरेट कर रहा है इट मीन्स कि आप उन सेशन आई डी को गेस करके अकाउंट में लॉग इन कर सकते हो विदाउट एनी यूज एंड पासवर्ड सेशन आई जनरेट करने का मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्कूल में गए स्कूल में जाने के बाद आपको एक आई कार्ड दिया जाता है आई कार्ड में कहा आपका एक नंबर होता है उस नंबर में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके उस नंबर है वन टू थ्री फोर दूसरे बच्चे का नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव तो यानी क्या आप थर्ड बच्चे का नंबर जो गैस कर सकते हो वो हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इस तरीके से कोई भी आपकी जो नंबर होता है उसको गैस करके आपके भी आप पे लॉग कर सकता है तो इसी तरीके से सर्वर और क्लाइंट के बीच में भी होता है सर्वर एक सेशन आईडी जनरेट करता है और वो होनी चाहिए एक रैंडम सेशन आईडी और एक अनप्रडिक्टेबल सेशन आईडी तो इसी चीज़ को एनालाइज़ करने के लिए कि जो हमारा टारगेट वेब एप्लीकेशन है वो किस तरह की सेशन आई जनरेट कर रहा है वो अगर एक वीक सेशन आई जनरेट कर रहा है तो क्या हम वहाँ पर लॉग कर सकते हैं या फिर वो एक हार्ड सेशन आई या फिर उसको हम बोलते हैं एक अनप्रडिक्टेबल सेशन आईडी जनरेट कर रहा है अगर हमको ये जानना तो उसके लिए हम सीक्वेंसर टैप का इस्तेमाल करते हैं आई होप आपको उसका थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा अब हम समझते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट <laughs> तो सबसे पहले हम बी वैप पे जाते हैं जहाँ पे मैंने यहाँ पे लॉगिन का पेज पे यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे मुझे करना है लॉगिन लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे जो मेरा इंटरसेप्ट है मुझे उसको ऑन करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं प्रॉक्सी पे जाता हूँ इंटरसेप्ट को ऑन करता हूँ बी वैप पर जाऊँगा अब यहाँ पे जाने के बाद जो मेरे क्रेडेंशियल है मैं उसको यहाँ पे इनपुट देता हूँ बी एंड बर्क मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है लॉगन एंड अपना बी एंड बग जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे जाती है इंटरसेप्ट क्योंकि मैंने ऑन कर रखा है तो यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है देन मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है सेंड टू सिक्वेंसर पर सिक्वेंसर पर भेजने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी अब इस सिक्वेंसर के अंदर होती है आपकी पी एच पी सेशन आई डी सेशन आई डी कई तरीके से होती है पी एच पी सेशन आई डी हो सकती है फिर जे सेशन आई डी हो सकती है अलग अलग तरीके सेशन आई डीज बनाई जाती हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कुकी है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है इन केस अगर आपको कोई और पैरामीटर सेलेक्ट करना है मैनुअली आपको सेलेक्ट करनी है कोई एंट्री कोई आईडी तो यहाँ पे आप कस्टम लोकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से आप उस लोकेशन को पर्टिकुलर तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है तो यहाँ पर मैं कुकीज़ पर ही क्लिक करूँगा स्टार्ट लाइफ कैप्चर पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे सिस्टम से टारगेट सिस्टम पर मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही है और वो रिक्वेस्ट इसलिए जा रही है ये देखने के लिए जो टारगेट सिस्टम है वो कितने तरीके की और कैसे कैसे सेशन आईडीज डी जनरेट कर रहा है हम क्योंकि यहाँ पे ये यह देखना चाह रहे हैं कि जो सेशन आई डी हो रेंडमनेस उसकी कितनी है अगर वो एक वीक सेशन आई होगी एक वीक सेशन आई को जनरेट कर रहा होगा तो हो सकता है कि हम टारगेट पर विदाउट आई पासवर्ड जो है लॉग कर सकते हैं तो इस रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे फाइव टू वन तक अगर जब आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी तो यहाँ पर आप रोक सकते हैं अदरवाइज़ आप इसकी रिक्वेस्ट टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड तक भी जाती है उससे ज़्यादा भी जाती है अब क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं तो इतनी रिक्वेस्ट काफ़ी होती है तो बहुत सिंपल चीज़ है आपको यहाँ पे स्टॉप करना है स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एनालाइज नाउ का जैसे ही आप यहाँ पे एनालाइज नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पूरा एक चार्ट बन के आता है पूरा यहाँ पर एक रिपोर्ट बन के आती है जहां पर आपको पता चलता है कि इसकी इफेक्टिव एंट्रॉपी कितनी है तो यहाँ पर एक नया एटम आया एंट्रॉपी एंट्रापी का मतलब होता है एंट्रॉपी एक मेजर करने का तरीका है जो सेशन आई डीज होती हैं टोकन्स होते हैं उनकी रेंडमनेस को मेजर करने के लिए हम एंट्रोपी का इस्तेमाल करते हैं अब यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा है नंबर

है और न्यू क्रिप्टोग्राफी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एटलीस्ट वन ट्वेंटी एट बिट तो होना ही चाहिए अब क्योंकि मैंने बहुत जल्दी एनालिसिस को रोक दिया था तो हो सकता है यहाँ पे वन हंड्रेड सिक्स बिट यहाँ पे शो कर रहा है लेकिन जनरली अगर आप देखोगे वन थाउज टू थाउजेंड रिक्वेस्ट पे तो नॉर्मली आपको वन ट्वेंटी एट बिट्स की जो नई एप्लीकेशन है वहां पर आपको देखने को मिलता है बट हम समझ लेते हैं 106 बिट और 128 बिट का मतलब एक्चुअल में होता क्या है सो so, 128 ट्वेंटी या 106 बिट का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे लिखोगे 2 टू दी पावर 128 बिट यानी कि अगर आप 2 को 128 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि टू इंटू टू इंटू टू इंटू करके वन ट्वेंटी एट टाइम जो है मल्टीप्लाई करोगे वो जो वैल्यू निकल के आएगी इट मीन्स आपको उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे किसी भी एक सेशन एडियो गैस करने के लिए अगर मैं बात करता हूँ टू टू की पावर टू इट मींस टू टू या फोर तो यानी कि आपको फोर कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ टू टू की पावर वन ट्वेंटी एट इट मीनस आपको इतने कॉम्बिनेशन यानी कि इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ेंगे टारगेट सेशन आई को ओ गैस करने के लिए इट मीस ये काफी अच्छी सेशन आई जो है जनरेट कर रहा है यहाँ पे जो एक चार्ट आ रहा है इसका मतलब है नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एंट्रोपी और सिग्निफिकेन्स लेवल जितना ज्यादा परसेंटेज यहाँ पे आपको दिख रहा है इट मीनस कि उतना ज़्यादा वीक सेशन आई वो जनरेट कर रहा है लेकिन अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 128 के अप्रॉस वो जो है नंबर ऑफ़ बिट्स ऑफ एंड ट्रॉपी यहाँ पे आपको नजर आ रही है तो जितनी ज्यादा बिट्स होंगे जितना ज्यादा एंड लेवल होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी सेशन आई जनरेट हो रही होंगी इतनी ज़्यादा रेंडम आपकी सेशन आई जनरेट हो रही होगी इसके अलावा यहाँ पे आपको करैक्टर लेवल एनालिसिस आपको यहाँ देखने नहीं मिलेगा लेकिन आपको बिट लेवल एनालिसिस अगर करना है और उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हो एनालिसिस ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बिटल एनालिसिस में आप अलग अलग तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो तो जो लोग बग बाउंडी करते हैं या फिर जो लोग पेंट्रेशन टेस्टिंग करते हैं और जो सेशन मैनेजमेंट या फिर सेशन फिक्सेशन के टाइप का अटैक परफॉर्म करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये टैब है जहाँ पर जिसको हम सिक्वेंसर बोलते हैं तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ अगर आप चाहते हैं कि किस तरह के सेशन आईडी होते हैं देखना वो अभी आप देख सकते हो आपको सेफ़ टोकन्स पे क्लिक करना है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टोकन नाम का एक फाइल बना के रखा है मैं इसको सेव करता हूँ इसी पे सेव कर लेता हूँ यस मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के टोकन्स होते हैं जो मैं टोकन्स की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में कैसे होते हैं तो ये यह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये वो टोकनस हैं जो कि रैंडमली जनरेट होते हैं तो अगर ये रैंडमली जनरेट नहीं होंगे तो कोई भी इसको गैस करके आपकी आई डी को लॉगिन आई पासवर्ड बिना डाले वो एक्सेस ले सकता है तो इस तरह के टोकन्स होते हैं जो हम रैंडमली जनरेट करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो अलग हर टाइम पर अलग अलग सेशन आई जो है जनरेट करी जाती हैं तो अगर मैं इसको राइट रै, क्लिक करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे भेजता हूँ रिपीटर पे रिपीटर भेजने के बाद मैं जैसे इसको सेंड करूँगा यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास एक रिस्पॉन्स आता है रिस्पॉन्स में आपको एक सेशन आई मिलती है जो कि सर्वर की तरफ से आ रही है एक चीज़ आप नोटिस करोगे जैसे ही मैंने यहाँ पर सेंड पे क्लिक करा तो यहाँ पे आप देखोगे हर वक्त यहाँ पे जो सेशन आई वो चेंज होती है यानी कि जो इसीलिए सेशन आई चेंज करी जाती है ताकि उसको प्रिडिक्ट कर ले या फिर कोई आपका सेशन को फिक्स ना कर ले राइट तो यहाँ पे देखोगे हर बार आपकी सेशन आई वो चेंज हो रही है तो आई होप आपको सीक्वेंसर का मतलब समझ में आया होगा सीक्वेंसर कैसे इस्तेमाल करते हैं तो हम समझते हैं यहाँ पर जो डिकोडर और कमपेयर टैब है वो क्या होता है कई बार हमारे पास एक ऐसी रिक्वेस्ट आती है जो कि अलग ही फॉर्मेट में होती है जिसको हम रीड नहीं कर सकते उसको हमको डिकोड करनी पड़ती है तो हम डिकोडर का इस्तेमाल उसमें करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रैंडम से यहाँ पे नाम है मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया अगर आपको उसको चेंज करना है या फिर फिर करना है और यहाँ पे आप दोनों ही तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हो पे इसको एनकोड भी कर सकते हो आप अब पे इसको डिकोड भी कर सकते हो अगर आपको इसको एनकोड करना है तो यहाँ पे बहुत सारे इनकोडिंग ऑप्शन मिलते हैं आपको यूरल में इनकोड करना है तो आप ल में भी इनकोड कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हो राहुल को मैंने यहाँ पे यूआर एल फॉर्मेट में इनकोड कर दिया है तो डिकोडर एक ऐसा ऑप्शन है बबसूट में जहाँ पे आप अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट को इनकोड और डिकोड कर सकते हो आपने साइबर शेफ के बारे में जानते होंगे या फिर आप अलग अलग तरह के जो वहाँ पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अलग अलग तरीके के जो हैशेज हैं उसको हम क्रैक कर सकते हैं उसको हम डिकोड कर सकते हैं इनकोड कर सकते हैं लास्ट हम बात करते हैं कंपेर की कम्पेयर का मतलब होता है किसी भी दो रिक्वेस्ट को या फिर दो वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर टारगेट पर जाता हूँ या फिर मैं पे डैश सॉरी मैं प्रॉक्सी पे गया यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको डालता हूँ सेंड टू कंपेयरर पे मैं यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ अगेन मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ देन मैं यहाँ पे करूँगा इसको कंपेयर पे अब यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं दो जाने के बाद अगर मुझे यहाँ पे वर्ड्स पे मुझे क्लिक करना है वर्ड्स पे क्लिक करने का कर यहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ पे जो ब्राउन हाईलाइटेड टेक्स्ट है इट मींस यहाँ पे ये ये चीज मॉडिफाई करी गई है पहले रिक्वेस्ट में पोस्ट लॉगिन नोट पी एच पी दूसरी रिक्वेस्ट है मेरा गेट वी वन टाइटल है डिलीटेड यानी कि जो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है और यहाँ पे अगर आपको कोई येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट मिलता है इसका मतलब नई चीज़ यहाँ पे ऐड हुआ है तो इस तरीके से आप अभी कंपेयर कर सकते हो तो ये होता है कंप्यूटर का काम कंप्यूटर का काम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब भी होता है अगर आपको दो अलग अलग रिक्वेस्ट को कंपेयर करना पड़ता है आपको देखना होता है कि कौन सी चीज़ें जो यहाँ पे अलग ऐड हो रही है फिर डिलीट हो रही है मॉडिफाई हो रही है तो इस तरीके से आप कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो देन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है लॉगर का जहाँ पे सारे आपके लॉग्स जो है तो सेव होते हैं जिस तरह से विंडोज़ में लॉग सेव होते हैं इस तरह से यहाँ पे भी सारे लॉग्स आपके सेव होते रहते हैं लास्ट है एक्सटेंशन 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 का हम इस्तेमाल करते हैं बर्ब सूट की कैपेबिलिटीज़ को उसके फंक्शन को एक्सटेंड करने के लिए ऐड ऑन करने के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए अगर आपको पाइथन आती है जावा आती है तो आप अपने खुद के एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हो एक्सटेंशन के ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियो जरूर लिखाऊंगा जो कि इसकी जो पावर है सूट की उसको भी और ज़्यादा बढ़ा देंगे एड एक्सटेंशन में क्लिक करके यहाँ पे आप मल्टीपल तरीके के एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हो तो ये था पूरा बर्ब सूट के जितने भी टैब्स हैं मैंने सब आपको समझाया टारगेट के बारे में प्रॉक्सी इंट्रूडर रिपीटर एंड आज मैंने आपको बताया सिक्वेंसर डिकोडर कंपेयर अगर लॉगर एक्सटेंशन आई होप आपको सूट के सारे जितने भी मैंने चीज़ें समझाई आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो समझ में आई होगी पहले की वीडियोज भी आपको समझ में आएगी अगर आपने देखी हो तो नहीं देखी तो प्लीज़ चेकआउट कर लो आई बटन पर लिंक है पूरा प्ले बना रखा है तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे जो चैनल स्टेटस बताते हैं कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं आता है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेल दें गुड बाय